अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको सेट्स के चैप्टर में ये जो 5.4 एक्सरसाइज है जिनमें शार्ट आंसर के हवाले से एक सवाल लाजमी आता है, तो उसमें ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के हवाले से आपको बताने जा रहे हैं। और दूसरा सवाल जो है वो ये कि ए और बी की वैल्यू फाइंड करना, तो इन दोनों सवालों में से एक सवाल लाजमी आ जाता है। इनको तैयार कर लीजिएगा और तरीका समझ लें। सबसे पहले हम ए क्रॉस बी मालूम कैसे करेंगे। ए क्रॉस बी सेट ए लिखेंगे, उसके ये एलिमेंट्स हैं। क्रॉस बी बी सेट के दो एलिमेंट्स हैं सी और डी। अब जब इनका क्रॉस लेना है तो सबसे पहले ए को सी के साथ मिलाना है, फिर ए को डी के साथ, इसी तरह बी को सी के साथ और बी को डी के साथ मिलाएंगे, तो ये ऐसा ए क्रॉस बी बन जाएगा। ए क्रॉस बी ए व बी सॉरी ए व सी, फिर ए व डी, इसी तरह फिर बी व सी और बी एंड डी। तो ये एक सेट बन गया ए क्रॉस बी। अब हम मालूम करेंगे बी क्रॉस ए। पहले बी सेट लिखेंगे, फिर आगे क्रॉस ए सेट, उसके अरकान लिखेंगे, तो इनका क्रॉस उसी तरह मालूम करेंगे। सी को ए के साथ मिलाएंगे, सी को बी के साथ, फिर डी को ए के साथ और डी को बी के साथ, सी व ए, सी व बी, फिर डी व ए और डी व बी। तो ये सेट जो है ये कहलाएगा बी क्रॉस ए। इसी तरह अगर आपको कोई सवाल पूछे कि ए क्रॉस ए मालूम करें, तो उसमें पहले बी सेट ए लिखेंगे, यहाँ पे भी क्रॉस भी ए आएगा, यहाँ ए के एलिमेंट और यहाँ भी ए के एलिमेंट। इसी तरह बी क्रॉस बी अगर आ जाए तो दोनों में बी के एलिमेंट लिखे जाएंगे, यहाँ भी बी, सी व डी, फिर यहाँ पे सी व डी आएगा। तो इस तरह आप बी क्रॉस बी भी मालूम कर सकते हैं और ए क्रॉस ए भी मालूम कर सकते हैं। अब जो दूसरा सवाल है वो है कि ए और बी की वैल्यू फाइंड करना। तो इसमें याद रखें कि पहली वैल्यू एक्स होती है, दूसरी वाई, तो एक्स को एक्स के बराबर रखेंगे, यानी ए माइनस फोर डेट इज़ इक्वल टू टू और बी माइनस टू डेट इज़ इक्वल टू वन। तो इसमें से ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए के साथ माइनस फोर है, ये दूसरी तरफ जाएगा, प्लस फोर हो जाएगा, ए इज़ इक्वल टू सिक्स आ जाएगा, इसी तरह माइनस टू उधर जाके प्लस टू हो जाएगा, तो बी की वैल्यू आ जाएगी थ्री। तो ये ए और बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी जो मालूम कर ली। तो इसी तरह इसके बाकी दो पार्ट्स जो हैं वो भी आप आसानी